हे फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। गाइज, आज की जो वीडियो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाइज। जितना हमारी लाइफ के अंदर फैशन इंपॉर्टेंट है, उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ। सो गाइज, इसी से रिलेटेड आज की जो वीडियो है वो होने वाली है। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पीनट बटर बना के दिखाने वाला हूँ, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेटर होता है, जिसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, हेल्दी प्रोटीन होता है। सो गाइज, इसे आपको अपनी डाइट के अंदर जरूर ऐड करना चाहिए। अगर आपका बजट नहीं है इसे मार्केट से खरीदने का, सो आप इसे घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही चीप प्राइस के अंदर। सो गाइज, मेरा मानना ये है कि हम जो घर पर चीज़ें बनाते हैं वो बेटर होती हैं मार्केट से आने वाली चीज़ों से। सो मेरे ख्याल से जितने भी हम चीज़ बनाएं वो मेरे ख्याल से आपको घर पर ही बनानी चाहिए। लगभग कुछ चीज़ें हैं जो हमें बाहर से ही लेनी पड़ती हैं, लेकिन लगभग 90% जो चीज़ है हमें हमारे घर पर ही बनानी चाहिए। सो आप इस रेसिपी को अपने घर पर भी बना सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। ना कोई इसमें झंझट है और ना कोई इसमें बड़ी बात है, कोई भी इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। सो गाइज, मैं आप सभी को वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। देखो, मैं नाराज़ भी हो सकता हूँ, लेकिन आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सो फाइनली गाइज, हमारा जो पीनट बटर है वो बनके तैयार हो गया है। ये जो डब्बा देख रहे हो आप, ये भी एक पीनट बटर का डब्बा था। मैं किसी पीनट बटर का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ये जो डब्बा आप देख रहे हो ये दिसानो कंपनी का था। सो इसका पीनट बटर भी मतलब बढ़िया क्वालिटी का आता है, लेकिन हमने जो बनाया है वो 100% ऑर्गेनिक है, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के मिलाए हुए। सो गाइज, आप इसे बेफिक्र होकर खा सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिकॉज इसके अंदर ना तो कोई प्रिजर्वेटिव्स हैं और ना ही कोई मतलब केमिकल्स वगैरह मिले हुए हैं।
अगर गाइज आप इसे बाहर रखते हो तो आप इसे एक महीने तक यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहीं पर अगर आप इसे फ्रीज के अंदर स्टोर करके रखते हो तो आप इसे 2 से 3 महीने तक बड़ी आसानी तक यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपका बजट लो है और आप फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहते हो लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इसे घर पर भी बना सकते हो बड़ी आसानी से। मैंने 500 ग्राम पीनट्स का ये पीनट बटर बनाया था। सो मेरे ख्याल से ये लगभग थोड़ी बहुत इसमें से मैंने ये जो पीनट्स थी वे खा भी ली थी, तो लगभग 100 ग्राम मैंने इसमें से निकाल भी ली होंगी, तो इसमें लगभग 400 ग्राम मेरे को पीनट बटर मिल गया इसके अंदर। अगर गाइस इसे बनाने की कॉस्ट की बात करें तो ये मेरे को पड़ गया 80 रुपये का आधा किलो। सो गाइस, ये बहुत ही कम रुपए के अंदर ये मेरे को मिल गया है। इसकी जो कॉस्ट है मार्केटिंग कॉस्ट मिला के लगभग ये आपको बहुत ही महंगा बेचते हैं। अगर होममेड चीज़ खाते हो तो लगभग होममेड जो चीज़ होती है वे 100% प्योर होती है, बिकॉज ये सारी चीज़ हैं आपके सामने बनती हैं। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को इसका टेस्ट चेक करके दिखाता हूँ कि कैसा इसका टेस्ट है। सो गाइस, आप इसका कलर देख सकते हो कितना प्यारा है। गाइस, मेरे ख्याल से मार्केट में ऐसा जो कलर है लगभग मिलना नामुमकिन है, बिकॉज ये होममेड है यार। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके टेस्ट की, कि टेस्ट कैसा है। गाइस, अगर इसके टेस्ट की बात करें तो ये मार्केट के पीनट बटर को भी फेल करता है। गाइस, इसे मैंने क्रंची रखा थोड़ा ताकि खाने में और मज़ा आए। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। टेस्टी यार, बहुत ही ज़्यादा। मतलब गाइस, मार्केट में इसकी जो कॉस्ट है लगभग 350 के आसपास होगी, तो 350 रुपये में मैं इसको बना सकता हूँ। मेरे को 2 किलो या 2 किलो से ऊपर मेरे को पीनट बटर मिल जाएगा 350 रुपये में, अगर मैं घर पे बनाता हूँ तो। और ये सबसे बेस्ट भी है और खाने में भी टेस्टी है। मैं किसी कंपनी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ना किसी का मतलब कंपनी का डिमोशन कर रहा। सो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप घर पर बनाना चाहते हो घर पर बना लो, या फिर आप बाहर भी बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मेरे ख्याल से आपको घर पर ही बनाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर गाइज आपको अपने पीनट बटर के अंदर प्रोटीन की जो क्वांटिटी वो बढ़ानी है, तो आप इसके अंदर बादाम को भी ऐड कर सकते हो, ताकि आपकी जो प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ सके और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर उसके साथ करना जिसका बजट नहीं है मार्केट से खरीदने का। सो इसे आप अपने घर पर बनाओ और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी आपकी मर्जी है।